Now, dear students, we will discuss now some trigonometric function and miscellaneous functions. First, look at this fx equals to 4 sin x plus 5. इसका हमें रेंज निकालना है, ठीक है जी? 4 है sin x plus 5 हो या 500 sin 200x plus 800 ऐसा हो, कुछ भी हो, 3 sin x sin 3x plus और minus 8 ऐसा इस तरह का फंक्शन हो, 1 by 5 sin x by 4 minus और plus 80 ऐसा हो, इस सभी तरह के फंक्शन का हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक स्पेसिमन एग्जांपल ले रहा हूं, इससे आपको क्लियर होगी, ठीक है? आइए लुक एट दिस, कैसे इन सभी का भी आप कर सकते हो। तो पहले देखो डियर, इसमें sin x जो है इसका रेंज ये कहां से कहां तक होता है, माइनस वन टू वन, ठीक है? अगर यहां sin 2x भी होता तो भी यही बात, sin 3x होती तो भी यही बात, करेक्ट? तो sin x की रेंज माइनस वन टू वन। अब क्या चाहिए इसको, 4 टाइम्स ऑफ sin x चाहिए, तो 4 से इनटू कर दिया हमने, दिस बिकम्स 4 sin x, तो इनइक्वालिटी में 4 मल्टीप्लाई हो गई, करेक्ट? नाउ 4 sin x plus 5 चाहिए, यानी plus 5 अपने को ऐड करना होगा, सो दिस इज 1 एंड हियर 4 sin x plus 5 less than equals to 9, फाइन? तो अपना ये रेंज इस फंक्शन का क्या आ गया, देयरफॉर रेंज ऑफ fx इट केम 1 to 9, क्लोज इंटरवल, ठीक है? क्लियर हुआ ये कैसे करना है इस तरह के फंक्शन का? लेट्स से मान लीजिए fx हमारे पास 300, करेक्ट, cos 4x प्लस 200 है, फाइन? लेट्स से दिस एग्जांपल है, अभी हमें इसका रेंज चाहिए, क्या करेंगे आप स्ट्रेट अवे, cos 4x इज लाइंग बिटवीन माइनस वन टू वन, करेक्ट? अब आपको क्या चाहिए, 300 टाइम्स इनटू होना चाहिए, तो ये माइनस 300, 300 cos 4x एंड दिस इज 300, क्लियर यहां तक? अब इसके साथ क्या होना चाहिए, प्लस 200, प्लस 200 ऐड कीजिए, सो दिस इज गोइंग टू बी 300 cos 4x प्लस 200 एंड हियर इट केम 500, सो इसकी रेंज क्या हो गई, इस fx की रेंज, इस fx की रेंज हम लिख सकते हैं माइनस 100 टू 500, करेक्ट है? इसको बेसिक समझ के लीजिए, बहुत इजी तरीके से, इसको डिफिकल्ट मत करिए। डोमेन रेंज क्या होता है, बच्चों को एक डर सा बना होता है, कैसे होगा, क्या उसकी बेसिक चीज को समझिए। यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स इनके बेसिक रेंज पता है हमें, और उस पर ही हमने इनइक्वालिटी पे वर्कआउट करना है। अगर मुझे माइनस से इंटू करना होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, करेक्ट है? इस तरह के फंक्शन का आप डोमेन रेंज कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, किसी तरह वो साइन 3x हो कॉस 3x हो। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं, सपोज वी हैव fx इक्वल्स टू, एक फंक्शन मैंने ले लिया 1/2 माइनस साइन 3x, ठीक है, अपॉन में 1/2 माइनस साइन 3x। अब इसका हमें रेंज चाहिए, ठीक है डियर? सो अगेन वापस साइन 3x, इसकी रेंज क्या होती है, माइनस 1 टू 1, करेक्ट, ऑल ऑफ यू अवेयर। अब क्या चाहिए इसको, माइनस साइन 3x, माइनस से इंटू करेंगे तो ये जब 1 माइनस से इंटू करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, जैसे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दिस इज माइनस, इसको आप फिर से ऐसे ही लिख सकते हो, साइन 3x ग्रेटर देन माइनस 1, तो ये हो गया ऐसे एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है? इनइक्वालिटी साइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो ये फिर से इनइक्वालिटी साइन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 प्लस 2 ऐड करेंगे दोनों साइड, दिस इज 1, 2 माइनस साइन 3x एंड लेस देन इक्वल्स टू 3, ये तो आ गया 2 माइनस साइन 3x। अब मुझे क्या चाहिए, 1 अपॉन चाहिए, तो इसका अपॉन अगर जब करोगे आप 1/2 माइनस साइन 3x, सो इनइक्वालिटी ऑल्सो गेट रिवर्स्ड, तो ये 1 अपॉन करोगे तो 1/3, तो ये इधर आ जाएगा 1/3 एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है? ये 1/3 होगा, ये 1 ही रह जाएगा, और आप जानते हो 1/3 लेस है, छोटा है 1 के, सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, सो इस फंक्शन का रेंज इज गोइंग टू बी 1/3 to 1, फाइन? तो ऐसे अपॉन वाली सिचुएशन आई
तो आप इस तरह से कर पाएंगे। एनी प्रॉब्लम? समझते हो? इनइक्वालिटी के थोड़े कंसेप्ट क्लियर रखो आप। जब वन अपॉन करते हैं तो ये भी फ्लिप हुआ, ये भी फ्लिप हुआ, तो 1/3 और 1, विच वन इज ग्रेटर? तो 1/1 इज ग्रेटर, तो 1/3 छोटा, तो 1/3 इस साइड को आ गया, ठीक है ना। एक और इस तरह में एक एग्जांपल ले लूं मैं, fx = 1/3 - cos x, माय डियर cos 2x कर दो, cos x ही लेगा, cos 2x ले लो, नॉट अ प्रॉब्लम। इसका हमें रेंज चाहिए, फिर से वही बात, cos 2x इज लाइंग बिटवीन वेयर -1 to 1, ठीक है। अब माइनस चाहिए तो माइनस से इनटू 1, इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, लुक एट दिस, दिस वे इट केम। अब इसको फिर से आप क्या लिख सकते हो, cos माइनस cos 2 इज ग्रेटर देन -1, तो हियर इट इज -1 - cos 2x एंड लेस देन 1, ठीक है, दिस इज लेस देन 1, सो लेस देन 1 आ गया। अब क्या मुझे चाहिए, 3 चाहिए, 3 माइनस 3 ऐड कीजिए, सो दिस इज माइ 3 ऐड करने पे ये क्या होगा डियर, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस cos 2x लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब 1 अपॉन चाहिए, क्वेश्चन ये है, 1 अपॉन करने पे इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ये 1/4 ग्रेटर देन 1/3 माइनस cos 2x एंड लेस देन 1/2 लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी 1/4 to 1/2, दिस इज द रेंज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइन डियर, आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, मुझे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालने में। फाइन डियर, चलिए आइए हम कुछ मिसलेनियस टाइप के फंक्शन की रेंज देखते हैं। पहले आते हैं मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। तो आप इस तरह के फंक्शन का रेंज यू कैन कैलकुलेट इजली, साइन हो, कॉस 2x हो, साइन 3x हो, कुछ भी हो, इवन स्क्वायर भी हो तो भी आप कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। साइन स्क्वायर 3x है, लेट्स से मान लीजिए यहां साइन स्क्वायर 3x है, तो साइन स्क्वायर 3x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, स्क्वायर में थोड़ा वो ध्यान रखना है। कॉस स्क्वायर 2x होता है, तो कॉस स्क्वायर 2x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है स्क्वायर वाले फंक्शन। अब देयर कुछ मिसलेनियस फंक्शन है, जैसे y = e^x, इसका रेंज क्या होगा, हाँ तो इसकी रेंज क्या होती है, जब अगर आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो ये रेंज x की वैल्यू कुछ भी डालिए, ये जीरो कभी नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसी फंक्शन है जिसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है, याद रखना है। एनडीए में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन दिए रहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमें बताना होता है कि ऐसी कौन सी फंक्शन है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेवर बी जीरो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आपको पता है इसका अपोजिट क्या होता है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का जो डोमेन है, लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है डियर, यू कैन नॉट पुट जीरो, जीरो से ज्यादा पुट करते हैं, यानी जीरो से इंफिनिटी, लॉग में नेगेटिव वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, हाँ जीरो भी नहीं ले सकते हैं, एंड एक्सेप्ट वन ऑल्सो, यू कैन लॉग वन होती है वहां पे वैल्यू, लॉग वन इज जीरो, ठीक है ना। सो जीरो टू इंफिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी, लॉग एक्स का डोमेन, e टू दी पावर x का रेंज, क्योंकि log x एंड e टू दी पावर x आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर, ठीक है। आइए अब आते हैं हम कुछ मॉडुलस फंक्शन के रेंज निकालना, मॉडुलस फंक्शन। सो मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी अपने को पता है, मॉड x, दिस इज x व्हेन x ग्रेटर देन 0, दिस इज माइनस x व्हेन x लेस देन 0, एंड ये 0 हो जाएगा जब x 0 होता है, तो दिस वी नो द डेफिनेशन ऑफ मॉड x, करेक्ट, ग्राफ इट लुक्स लाइक दिस वे। आइए सो पहला क्वेश्चन लेते हैं, रेंज ऑफ fx मॉड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, इसका हमें रेंज चाहिए,
तो डेयर यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स इक्वल्स टू थ्री तो हम डाल नहीं सकते, अगर डोमेन की बात करें तो एक्स यू कैन नॉट पुट थ्री, अगर मैं डोमेन की बात करूँ इस फंक्शन का, तो इसका डोमेन क्या है, अगर मैं बोलूँ डोमेन क्या आएगा, आर माइनस थ्री, ऐसा कर्ली ब्रैकेट का मतलब है सेट, वो नंबर थ्री, आर मतलब रियल नंबर, सारे रियल आप डाल सकते हैं बट यू कैन नॉट पुट थ्री, ठीक है, सो दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज। तो जब हम रेंज की बात करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी हमें वर्कआउट करनी होगी, सो एक्स माइनस थ्री जो मॉड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन थ्री, ठीक है, और ये माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री कब हो जाएगा, जब एक्स लेस देन थ्री होगी, ठीक है, एक्स लेस देन थ्री पर ये क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री। अब हम इसमें वैल्यू डालें तो अपने को क्या मिल रहा है, पहले एक्स माइनस थ्री डालेंगे तो ये वन आ रहा है, वन वेन एक्स ग्रेटर देन थ्री, और जब आप माइनस एक्स माइनस थ्री डालेंगे तो ये माइनस वन आएगा जब आप एक्स लेस देन थ्री आ रहा है, यानी अपने को रेंज क्या मिल रहा है, वन और माइनस वन, ठीक है। सो हम इस फंक्शन का रेंज क्या लिख सकते हैं, रेंज इज माइनस वन टू वन, ठीक है, इंटरवल में नहीं, सॉरी इसको इंटरवल में नहीं लिखना है, ये वैल्यूज है, दिस इज नॉट एन इंटरवल, माइनस वन और वन ये वैल्यू है, देखो मॉड एक्स माइनस थ्री, जब एक्स माइनस ग्रेटर देन थ्री होगा तो एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री वन, ये लिखा हुआ यहाँ, अगर ये एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो होगा, ठीक है, एक्स लेस देन थ्री होगी तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, मॉड माइनस माइनस, सो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस कैंसिल माइनस वन, करेक्ट। तो अपने को दो वैल्यूज मिलेगी, वो रेंज होगी माइनस वन एंड वन, करेक्ट, ये इंटरवल नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटरवल, ये दो वैल्यूज होगी, तो इस फंक्शन का रेंज माइनस वन और वन होगा, करेक्ट है। इसकी रेंज डोमेन हमने ये लिखा है, दिस इज द डोमेन। We'll take some more example. Look at this. Suppose हमने डाल दिया डेयर mod x plus 2 upon x plus 2, ठीक है, fx, इसका रेंज चाहिए, तो वापस प्रॉपर्टी x plus 2 होगा कब, जब x plus 2 greater than 0 यानी x greater than minus 2, तो इसकी वैल्यू x plus 2 हो जाएगी तो ये 1 आया, दूसरी बार x प्लस टू माइनस होगी ये व्हेन x प्लस टू लेस देन जीरो, दैट मीन्स x लेस देन माइनस टू, तो दूसरी बार वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, ये माइनस याद आ रहा है कैंसिल होगा माइनस वन, इसका भी रेंज क्या आ गया देयर, वन एंड माइनस वन, ठीक है, दो वैल्यूज है, इंटरवल नहीं है, ये वैल्यूज है, वन और माइनस वन इज द रेंज ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। इसी तरह से मॉड x अपॉन x रहा, उसको भी कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर हमारा फंक्शन ऐसे भी रहा x प्लस फोर अपॉन मॉड x प्लस फोर, नीचे भी रहा तो भी ऐसे ही करेंगे आप, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी इसके अकॉर्डिंग, लेस ग्रेटर, ठीक है, इसकी भी रेंज क्या दिख रही है अपने को, माइनस वन और वन ही आएगी, ठीक है। सो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन के आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ डियर विल दीज आर सम प्रॉब्लम्स विच वी हैव already discuss in range, तो now we will move to, अब मैं कुछ सब्स इसमें आपको दूंगा range निकालने में homework में जो आप करेंगे, now we will move to the next area where it is, आपको समझना है odd and even function and period of a function and finally composition of functions, ठीक है, और one one on two जो सीखने के लिए मैंने बोला था, तो next video में हम odd even function और period of a function निकालना सीखेंगे।